News 18, India. आप देख रहे थे 82 से लेकर 95 का वो टाइम याद कीजिए जब दल सिंह राय से ये चुनाव लड़ा करते थे और उसके बाद 2015 से लेकर 2020 तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। यहाँ उनके शपथ ग्रहण के बाद नारेबाजी, आप ये देखिए लगातार इसी तरह की नारेबाजी चल रही है और बहुत करीबी माने जाते हैं नीतीश बाबू के। इनफैक्ट वो भूमिहार नेता जिसकी बात नीतीश बाबू बहुत सुनते हैं और इनकी पैठ भी बिहार में रही है, अच्छी खासी रही है और ख़ासकर वो समस्तीपुर का इलाका जहां से वो 2010 से लगातार विधायक चुनकर आ रहे हैं, उस इलाके में अक्सर इनके बारे में ये कहा जाता है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो इनकी तरफ से नहीं किया जा सकता है। तो शपथ ग्रहण करने के बाद चेहरे पर मुस्कान लिए इस वक्त आपको एक और भूमिहार नेता नजर आ रहे हैं और गिनती करते चले जाइएगा। देखिए वो जो नीतीश बाबू के बगल में ये सारे के सारे चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव से अनुरोध है कि वे और अब अगला नंबर आ रहा है विजेंद्र प्रसाद यादव का। विजेंद्र प्रसाद यादव को इस वक्त बुलाया गया है। विजेंद्र प्रसाद यादव के बारे में आपको बता दूं कि ये भी बड़े करीबी माने जाते हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल से 1990 से लगातार विधायक चुने जाते रहे हैं, यानी वो ये तमाम चेहरे हैं जिनको अच्छा खासा अनुभव है चुनाव जीतने का, चुनावी रणनीति बनाने का। और मंच पर अब विजेंद्र यादव को बुलाया गया है। नीतीश कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं और लंबे अरसे से नीतीश के साथ नीति पर बिहार की काम करते रहे हैं, इन्हें भी चुन लिया गया है। और ये विशेषाधिकार होता है मुख्यमंत्री का कि जब आप शपथ ले रहे होते हैं तो एक सूची आप देते हैं, उसके तहत 164A वो रूल है, उसके तहत ये विशेषाधिकार होता है कि वो कुछ मंत्रियों को शपथ दिलाएं। और ये देखिए विजेंद्र यादव इस वक्त आपको देख रहे हैं, बिहार में हर घर बिजली पहुंचाने का श्रेय इनके नाम। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सुधारपूर्वक शुद्ध अंतरकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश की सीमा किसी सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजेंद्र प्रसाद यादव से अपनी शासक प्रतिदान करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार से ले जाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, इसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संदर्भ निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रदत्त नहीं करूँगा। यादव एक बार फिर से शपथ लेते हुए आपको नजर आ रहे थे। हर घर में बिजली, क्योंकि पिछली सरकार जो थी उसमें ऊर्जा मंत्री थे और हर मन से नीतीश बाबू ये कहते नजर आते थे कि विजेंद्र बाबू ने इतना बढ़िया काम किया है कि आपके घर चमचमा रहे हैं, बिजली आपके घर तक पहुंची है। 2005 के बाद से हर कैबिनेट में मंत्री रहे हैं विजेंद्र यादव।